उनको सॉल्व करने के लिए, उनको मिनिमाइज करने के लिए कि कम से कम गेट्स लगे, तो लॉजिक अपना ये वहां पर भी आप ये प्रोपोजिशन लॉजिक यूज कर सकते हैं। और एआई डायग्नोसिस मेथड, जो कि फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम आपको माइसिन का एक एग्जांपल दिया था, माइसिन इज अ एक्सपर्ट सिस्टम जो डिजीज डायग्नोसिस करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है इंग्लिश सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना। यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं कि इंग्लिश सेंटेंसेस को आप किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं लॉजिक की लैंग्वेज में। तो तीन या चार, दो या तीन स्टेप्स होते हैं। पहले क्या करना होता है आपको, जो भी इंग्लिश स्टेटमेंट लिखी हुई होगी उसमें कीवर्ड्स सर्च करने होंगे, कीवर्ड्स जो कि डिफरेंट लॉजिकल कनेक्टिव्स को डिफाइन कर रहे होंगे, जैसे कि इफ है, एंड है, और है, इस तरीके के जो आपके वर्ड्स हैं वो एक्चुअली आपका रिलेशनशिप बताते हैं दो आपके एटॉमिक प्रोपोजिशंस में या बेसिक प्रोपोजिशंस में, जिसको हम एलिमेंट्री प्रोपोजिशंस कहते हैं। देन उन कनेक्टिव्स, एक वो कनेक्टिव्स फाइंड करने होते हैं, एक आपको एलिमेंट्री या एटॉमिक जो आपकी प्रोपोजिशंस हैं वो फाइंड करनी होती हैं। एक मिनट, यहाँ पर ये भी एग्जांपल लिखा हुआ है, और जब तक ये मेरे डॉक्यूमेंट, ये यहाँ पर हम यहाँ पर थे, वहां पर उस डायग्राम में भी कि हमें यहाँ तक आप कह रहे हैं पढ़े थे हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स तक, और ये स्लाइड्स हम मेरे ख्याल में लास्ट टाइम चला रहे थे, तो इन स्लाइड से हम कंटिन्यू करते हैं। एप्लीकेशन आज हमें पढ़नी थी, और पहला था इंग्लिश सेंटेंसेस। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि फॉर एग्जांपल अस्यूम करें एक सेंटेंस है, जिसमें लिखा हुआ है यू आर, इफ यू आर ओल्डर देन 13, आर यू आर विद योर पेरेंट्स, देन यू कैन वॉच अ पेरेंट ग्रेड 13 मूवी। ठीक है, एक इंग्लिश सेंटेंस है जिसको हमें लॉजिक की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड कीवर्ड्स आर लॉजिकल कनेक्टिव, जैसे लिखा हुआ इफ, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है देन, लॉजिकल कनेक्टिव मिल गया। और यहाँ पर लिखा यू आर ओल्डर देन 13 और यू आर विथ योर पेरेंट्स, तो ये लॉजिकल कनेक्टिव कुछ हमें मिल गए हैं, ये ढूंढने होते हैं। देन हमें क्या करना होता है, हमें एलिमेंट्री प्रपोजिशन या एलिमेंट्री आप स्टेटमेंट देखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट्री स्टेटमेंट है यू आर ओल्डर देन 13, दूसरी स्टेटमेंट है यू आर विथ योर पेरेंट्स, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज यू कैन अटेंड अ पेरेंट ग्रेड 13 मूवी। और हमें क्या करना होगा, ये जो हमने एलिमेंट्री प्रपोजिशन ढूंढी हैं इनको वेरिएबल्स के नाम देने होंगे, ए बी सी या पी क्यू आर जो हम लास्ट टाइम यूज कर रहे थे, इस तरीके के नाम देने होंगे। देन वी कैन राइट एक्चुअली कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉर दिस इंग्लिश स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या किया, पार्सिंग के लिए क्या आप देखेंगे, इसने लॉजिकल कनेक्टिव ढूंढे, तो लॉजिकल कनेक्टिव यहाँ पर ये ढूंढ लिए, हम भी ढूंढ चुके हैं। सेकेंड स्टेप में इसने एलिमेंट्री प्रोपोजिशन ढूंढी हैं, तो एलिमेंट्री प्रोपोजिशन भी हम ढूंढ चुके हैं, कौन कौन सी इसने एलिमेंट्री प्रोपोजिशन या एटॉमिक या एलिमेंट्री प्रोपोजिशन कहते हैं, जैसे कि यू आर ओल्डर देन 13 उसको इसने नाम ए दे दिया, हम यूजली पी क्यू आर दे रहे होते हैं, यू आर विथ योर पेरेंट्स दूसरी स्टेटमेंट, एंड थर्ड स्टेटमेंट और थर्ड प्रपोजिशन इज यू कैन अटेंड अ पेरेंट ग्रेड 13 मूवी। नाउ अब मुझे कौन बताएगा कि इसकी जस्ट रेज योर हैंड जो ये बता सकता है कि इसकी लॉजिकल ट्रांसलेशन क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ ए रिप्रेजेंट्स यू आर, चले हम पी क्यू आर यूज करते थे, इफ पी रिप्रेजेंट्स यू आर ओल्डर देन 13, क्यू रिप्रेजेंट्स यू आर विथ योर पेरेंट्स,
एंड आर रिप्रेजेंट्स यू कैन अटेंड अ पेरेंट ग्रेड 13 मूवी। तो साद खान हैज रेज्ड हिज हैंड। जी साद अनम्यूट करें। हाँ, जी सर, बी इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी? पी डिसजंक्शन क्यू इम्प्लीकेशन आर डिसजंक्शन क्यू क्यू इम्प्लीकेशन इम्प्लाइज आर इम्प्लीकेशन आर इम्प्लाइज आर। पी डिसजंक्शन क्यू इम्प्लाइज आर, ठीक है। एनीवन जो ये कहता है कि ठीक नहीं है। जी डिसजंक्शन, सॉरी मैंने डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन लिख लिया। मुकरम यही आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। जी ताहा, जी मुकरम। जी सर, ये मेरा ये था कि वो आपने साइन अलग उल्टा कर दिया था। जी डिसजंक्शन की जगह पर कंजंक्शन का साइन लगा दिया था मैंने, ठीक है। शुक्रिया। चले, इससे पता चल जाता है कि बच्चे जाग रहे हैं। सो जनरल रूल ऑफ ट्रांसलेशन इज व्हाट? लुक फॉर पैटर्न्स करस्पॉन्डिंग टू लॉजिकल कनेक्टिव्स इन द सेंटेंस एंड यूज देम टू डिफाइन एलिमेंट्री प्रपोजिशंस। एलिमेंट्री प्रपोजिशंस निकालें। सो स्टेप वन, फाइंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। स्टेप टू इज, अच्छा स्टेप वन लॉजिकल कनेक्टिव, ये अभी उसकी डिटेल चल रही है। ओके, देयर इज एन अदर एग्जांपल। Who will translate this example now? If you can have a free coffee if you are senior citizen and it is Tuesday. Anyone? Just raise your hand. इसको हमें logical language में translate करना है। कौन करेगा? Just raise your hand. Anyone? सी आर बेटा, स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं अटेंडेंस के लिए। साद खान और अरीशा सिद्दीकी। जी अरीशा, साद खान चले और इनको मौका देते हैं। सी आर है, क्यू कंजक्शन आर इम्प्लाइज पी। दोबारा बताइएगा। क्यू कंजक्शन आर इम्प्लाइज पी। क्यू कंजक्शन आर इम्प्लाइज पी। कोई इनसे डिसएग्री करता है? वो जस्ट रेज योर हैंड। जी साद। सर सबसे पहले आप नाम दे दें ताकि आसानी हो जाए सबको। यू कैन हैव फ्री कॉफी पी हो जाएगा। अच्छा, यू कैन हैव अ फ्री कॉफी, दिस इज पी। इफ यू यू आर सीनियर सिटीजन क्यू, यू आर सीनियर सिटीजन, देन इट विल बिकम आर आर क्यू, लेट्स सपोज क्यू, एंड इट इज ट्यूजडे, दैट इट विल बिकम आर। सो क्यू इंप्लाइज पी। दोबारा बताइए, आप बताइए। क्यू कंजक्शन आर इंप्लाइज पी। ये तो अरीशा ने ऑलरेडी बताया है, सही बताया सर, लेकिन हाँ सही सही। चलें ठीक है। इन दोनों के अलावा कौन बताएगा कि ये क्यों नहीं होगा? पी इंप्लाइज क्यू एंड और। बेटा बाकी क्लास क्या कर रही है? अपना रिजल्ट अभी से बता रही है, और सिर्फ मुझे नहीं बता रही है, अपनी क्लास के सामने ही बता रही है। जी तहा, अनस। जी सर, वो प्रेसिडेंस की वजह से। जी इट्स नॉट बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंस सर। पी इंप्लाइज क्यू इस वजह से नहीं होगा। अच्छा सर, बेटा हमने जो डिफरेंट हमने कहा था कि पी इम्प्लाइज क्यू को रीड करने के डिफरेंट तरीके, ठीक है। तो एक्चुअली पी इम्प्लाइज क्यू को नहीं थे, वो थे हाइपोथेसिस इम्प्लाइड कंक्लूजन को, हाइपोथेसिस इम्प्लाइज कंक्लूजन को रीड करने के डिफरेंट तरीके थे। तो उसमें हमने जब कहा था कि बीच में जब इफ आएगा, स्टार्ट में इफ नहीं आया हुआ, बीच में जब इफ आएगा, जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है, तो पहले होगा कंक्लूजन इफ हाइपोथेसिस होगा, कंक्लूजन इफ हाइपोथेसिस होगा। तो इसका मतलब है ये जो इफ से पहले लिखा हुआ ये कंक्लूजन है, और लॉजिकल लैंग्वेज में कंक्लूजन एरो के बाद आता है। तो
इफ से पहले जो लिखा हुआ वो कंक्लूजन है, जो कि कंक्लूजन हमेशा एरो के बाद आता है। तो ये करेक्ट है एनीवेज ट्रांसलेशन। जिन्होंने कुछ प्रैक्टिस की है उनको याद होगा, समझ में आ रहा होगा, बाकी बच्चे जैसे बैठे होंगे वैसे बैठे हुए होंगे। ये इसकी ट्रांसलेशन सारी चल रही है जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये आपके सामने यहाँ पर दो हम एलिमेंट्री प्रपोजिशंस ले रहे हैं। पी, लेट्स सपोज पी रिप्रेजेंट्स, you drive over 65 miles per hour and Q represents you get a speeding speeding ticket का मतलब है जैसे हम कहते हैं कि चालान हो जाएगा, ठीक है। P represents you are, अभी थोड़ी देर में मैं ये स्लाइड हटा दूंगा, और you drive over 65 miles per hour, Q represents you get a speeding ticket। तो ये अपनी कॉपी पर अगर आपके पास है तो उस पर नोट कर लें, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको आंसर देने हैं। ठीक है, मैंने स्टॉप शेयर किया थोड़ी देर के लिए, अब मैं जिनसे पूछूंगा वो मुझे आंसर देते जाएंगे। जी अबू बकर अनम्यूट करें, एहतशाम आप भी अनम्यूट करें। जी सर, मुझे ये बताएं कि अब आप ट्रांसलेट करके बताएंगे, यू डू नॉट ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? ही डू नॉट ड्राइव 60 माइल्स 60 miles per hour ना, जी वही दूसरा साइन होता है जिसमें नॉट आता है, उसका नाम क्या था? सर मुझे साइन का नाम याद नहीं आ रहा, बस बाकी मैं आपको लिख के साइन कर दूं। हाँ लिख लो यहाँ पर एनोटेशन से, लिख लो डायरेक्ट। हाँ मैं आपको लिखना लिख के साइन कर दूं। नहीं कहाँ पर लिख रहे हो, मैसेज में नहीं लिखो? मैसेज में सर, मैसेज में लिखो नहीं, नॉट पी, ठीक है नॉट पी, उसका इन्वर्ट बिल्कुल नॉट आ जाएगा। ओके अब और मैंने किसको अनम्यूट करवाया हुआ है? चलें एहतशाम, 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 एहतशाम का शायद माइक काम नहीं कर रहा है। अबू बकर आप म्यूट करें। राफे अनम्यूट करें। जी सर। हाँ मुझे बताएं कि अब मैं बोल रहा हूँ आपको ट्रांसलेट करना है, यू ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर बट यू डू नॉट गेट स्पीडिंग टिकट। यू ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर बट यू डू नॉट गेट स्पीडिंग टिकट। पी कंजक्शन क्यू, पी कंजक्शन नेगेशन क्यों? पी कंजक्शन नेगेशन क्यों? ओके, कहीं नोट से देखकर बता रहे हैं? नो सर, कंजक्शन वो नॉट नहीं लगाया था लेकिन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये कौन बताएगा? सुन ले पहले, इफ यू डू नॉट ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर देन यू विल नॉट गेट अ स्पीडिंग टिकट। इफ यू डू नॉट ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर then you will not get a speeding ticket. Kaun translate karega? Just raise your hand. Woh to bahut, ye to bahut sare haath hain. Ye hai kis नया हाथ देखते हैं कोई? अवेश, ए पी इंप्लाइज क्यू नॉट। जी पी नॉट इंप्लाइज क्यू नॉट। ओके, नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू, ठीक है। यस सर। चले ये हाथ जो रेज्ड है ऐसे ही रहने दें, किसी से मैं पूछ रहा हूँ। यू गेट अ स्पीडिंग टिकट,
बट यू डू नॉट ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर. कौन ट्रांसलेट करेगा? यू गेट अ स्पीडिंग टिकट बट यू डू नॉट ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर. जी फातिमा एहसन. सर रिपीट कीजिएगा. यू गेट अ स्पीडिंग टिकट बट यू डू नॉट ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर. सर क्यू एंड निगेशन पी. जी बिल्कुल, क्यू एंड निगेशन पी, ये बिल्कुल ऐसा हो गया. बट जब बट आता है तो हमें एंड यूज करना है. शायद मैं आपको बता चुका हूँ क्लास में. सर बता चुका. और दूसरी बात के ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि हम 65 माइल्स पर आवर के ज्यादा चला भी नहीं रहे, फिर भी स्पीडिंग टिकट हो गया. ये जैसे हमारे पास कराची में होता है अक्सर कि चालान तो करना ही करना है, फिर आपकी गलती हो या नहीं हो. ठीक है, अक्सर ऐसे करते हैं ना. चलें ठीक है, म्यूट करें और मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ. Another application is inferences. और inferences आज या next class में हमारे हो जाएंगे. Inferences क्या होती हैं? तो यहाँ पर भी फिलहाल हम example इसलिए नहीं कर रहे हैं. कहाँ गया मेरे slide? Document बिल्कुल. तो इन्फ्रेंसेस में आपकी लॉजिक यूज होती है. इन्फ्रेंसेस इनफैक्ट हम रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस इन डिटेल्स करेंगे जब हम थोड़ी ही देर में, शायद आज या फिर नेक्स्ट क्लास में प्रूफ्स कर रहे होंगे, तब हम करेंगे कि इन्फ्रेंसेस किस तरीके से होती हैं. ऑलरेडी गिवन प्रोपोजिशंस में से हम एक नई प्रोपोजिशन निकालते हैं, इन्फर करते हैं. इन्फ्रेंसेस हमें अगेन इन्फ्रेंसेस की अपनी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एक्सपर्ट सिस्टम्स में, या फिर ऑटोमेटिक इटसेल्फ थ्योरम प्रूवर्स होते हैं उसमें. तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल आ रहा है माइसन का. जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि माइसन एक्सपर्ट सिस्टम दैट बैक्टीरियल इन्फेक्शन या डिजीज डायग्नोसिस करने के लिए काम आता है. बहुत पुराना एक एक्सपर्ट सिस्टम इस समय लेकिन जो शुरू शुरू में बने थे उसमें, तो उसमें यूज होता है. अभी जो मुझे कराना है तो आपके इंटरेस्ट का काम, दैट इज टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन. स्टार्ट करने से पहले हाँ, यहाँ पर एक और एप्लीकेशन वहां पर लिखी हुई थी, लॉजिक पजल सॉल्वर्स. उससे पहले सिस्टम स्पेसिफिकेशन. सिस्टम स्पेसिफिकेशन चले पहले ये कर लेते हैं. दो या तीन एग्जांपल दिए हुए, जिनके पास बुक है वो बुक खोलकर उसमें देख सकते हैं. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टेक रिक्वायरमेंट्स इन इंग्लिश एंड एक्सप्रेस देम इन प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज बेस्ड ऑन द लॉजिक. ये थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ. और इसका एग्जाम्पल मेरा सिस्टम क्यों अटक रहा है. तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट आ रही है, द ऑटोमेटेड रिप्लाई कैन नॉट बी सेंड व्हेन द फाइल सिस्टम इज फुल. ये ऐसी थी, आप जब रिक्वायरमेंट गैदर करके आते हैं, कोई एक स्टेटमेंट नहीं होती, आपके पास बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं. रिक्वायरमेंट्स गैदर कैसे करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कोई सिस्टम डिजाइन करने जा रहे हैं, वेदर सिस्टम का मतलब है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, या सिर्फ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन करने जा रहे हैं, तो आप पहले क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बिजनेस प्रोसीजर को समझते हैं कि वो एक्चुअली उसका इंटरनल प्रोसेस चलते कैसे हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में.
जब आप वो चीजें समझने जाते हैं तो आप उसके लिए कॉन्टेक्ट करते हैं, उनके मैनेजर से इंटरव्यूज लेते हैं, उनके जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं या उसके जो उसके अलावा इवन एंड यूजर्स भी होते हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट में आते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, क्वेश्चनर्स फिल करवाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि उनका सिस्टम एक्चुअली चलता कैसे है। तो वो जो भी चीजें बताते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट्स बन जाती हैं, देन आप उसमें से देखते हैं कि वेदर दैट सिस्टम इज फॉर एग्जाम्पल जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बताई वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब है जो रिक्वायरमेंट मैनेजर ने अपने हिसाब से बताई और बाकी जो एम्प्लॉइज उन्होंने अपने हिसाब से बताई, तो क्या वो कंफ्लिक्टिंग तो नहीं है? ऐसा नहीं है कि इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स मैच ही ना हो, मतलब मीट ही ना हो सकती हो, कोई ऐसा सिस्टम डिजाइन ही ना हो सकता हो। तो अगर आप सिर्फ रिक्वायरमेंट गैदर करके उस पर क्या कहते हैं वर्किंग स्टार्ट कर देंगे, सिस्टम बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे, तो आगे चलकर आपको इशू होगा कि रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो पा रही होंगी, वहां पर आपको इससे बेहतर है कि पहले आप रिक्वायरमेंट्स को लॉजिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लें और चेक कर लें कि वेदर दैट दोज रिक्वायरमेंट्स आर फिजिबल, आर वर्केबल, आर वी कैन से कंसिस्टेंट आर नॉट। थोड़ी देर में एक एग्जांपल आ जाएगा, यहाँ पर स्लाइड्स में नहीं आ रहा लेकिन बुक में है, तो मैं थोड़ी देर में बुक खोल लेता हूँ जब तक हम दूसरा कोई एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, बाद में हम दो तीन स्टेटमेंट देखेंगे और सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे कि वॉट वी मीन बाय वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। The automated reply cannot be sent when the file system is full. तो आपको पता है पहले हम क्या करते हैं, आप automated reply cannot be sent, this is one elementary proposition and another proposition is the file system is full. दो आपके पास elementary propositions हैं जिसको आप P and Q से represent कर सकते हैं, और उसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पर logical connective है when. तो अगर आपको याद हो तो हमने वहाँ पर लिखवाया था Q whenever P, और फिर हमने लिखवाया था Q when P, जो different P implies Q को read करने की तरीके थे, P implies Q को read करने के तरीके थे, तो Q when P या Q whenever P, that means conclusion whenever hypothesis. तो इसका मतलब है anything that is coming first is actually conclusion. The automated reply cannot be sent. अगर हम इसको for example the फिर मैंने आपको कहा था कि This is not necessary, but we will follow a convention that यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, automated reply cannot be sent. तो हम automated reply cannot be sent को P से represent कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा किया नहीं करेंगे, हम actually क्या किया करेंगे, P को ये समझा करेंगे कि P का मतलब है the automated reply can be sent. ठीक है, हम जो elementary proposition P लेंगे उसका मतलब लेंगे the automated reply can be sent. तो यहाँ पर जो statement लिखी हुई है the automated reply cannot be sent and this will become Not P. तो इसने exactly यही काम किया हुआ है कि the automated reply can be sent को P लिया है, इसलिए the automated reply cannot be sent not P हो गया है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि when से पहले जो भी statement होती है that is conclusion, इसका मतलब arrow के बाद आनी है, और when के बाद जो statement होती है that is actually hypothesis. I hope कि it's clear. वापस मैं एक example पर आऊंगा, book से direct example पर आऊंगा, अगर इसमें है तो ठीक है, slides में नहीं तो फिर मुझे बुक खोलनी पड़ेगी। ठीक है, बल्कि है, ठीक है, गुड। अब बाकी तीन मिनट रह गए, तब तक हम एटलीस्ट इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, अगर सॉल्व नहीं भी कर पाए तो नेक्स्ट आपका जो जूम का सेशन होगा उसमें कर लेंगे। अ लिस्ट ऑफ प्रोपोजिशन इज कंसिस्टेंट इफ इट इज पॉसिबल टू असाइन ट्रुथ वैल्यूज to the proposition variable so such that each proposition is true. इसका क्या मतलब है, ये आपकी different requirements हैं, for example यहाँ पर देखें specifications हैं जो आप gather करके लाए उस organization के लिए, उस organization से जहाँ के लिए आप system design करने हैं, तो वहाँ पर बताया गया आपको different जो आपके वहाँ के employees से मिले, तो किसी ने बताया the diagnostic message is stored in the buffer or it is retransmitted. ठीक है, मशीन फॉर एग्जांपल फेल्यूअर है या मशीन का जो भी डायग्नोस्टिक मैसेज है किसी मशीन से रिलेटेड, तो डायग्नोसिस जो भी उसका है द डायग्नोसिस मैसेज इज इधर स्टोर्ड, इसके अलावा द डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन द बफर और इट इज रिट्रांसमिटेड, एक चीज बताई है। दूसरा इसने बताया द डायग्नोस्टिक मैसेज इज नॉट स्टोर्ड इन द बफर, ये पॉसिबल है कि किसी और एम्प्लॉय ने बताया, उसको जो नॉलेज थी उसके मुताबिक बताया उसने कि द डायग्नोस्टिक मैसेज इज नॉट स्टोर्ड इन द बफर। एंड एक और रिक्वायरमेंट आपको वहां से मिली,
if the diagnostic message is stored in the buffer, then it is retransmitted. चलें ये statements तो आप लेकर आ गए और यहाँ पर अब जो problem या question क्या है? Problem या question ये है कि आपको ये check करना है, are these specifications consistent? And what we mean by are these specifications consistent? तो आपको पता है कि पहले तो आप each statement को क्या करेंगे? Elementary propositions लेकर और logical connectives लेकर उसमें translate करेंगे. तो for example ये जो आपकी तीन statements हैं, यहाँ पर elementary proposition P, Q, R जो भी बनी, P and Q बनी, वो आएंगी या उसका truth table में, और फिर आपका यहाँ पर statement S1 का जो भी आपकी truth value का column बनेगा, इधर statement S2 का truth value का column बनेगा, और इधर S3 के statement का truth value का column बनेगा, ठीक है? तीनों statements का. Then हमें ये check करना है कि कोई भी एक ऐसी row exist करती है जहाँ पर actually ये सारी statements, यहाँ पर सिर्फ तीन statements हैं, ये तीनों statements true आ रही हैं, ठीक है? At least एक ऐसा row जरूर है, एक या एक से ज़्यादा row होना ज़रूरी है. अगर ऐसी row available है तो इसका मतलब है consistent है, इसका मतलब है इस जो आपको system बनाने जा रहे हैं इसका solution possible है. कब possible है? जब for example की p की value ये है और q की value ये है, तब आपका that means elementary propositions की जब ये values हैं तब आपकी सारी requirements meet हो सकती हैं. सारी requirements के लिए true आ रहा है, that means के कोई भी एक requirement ऐसी नहीं है जो ना meet हो सके. तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है जो ये the list of proposition is consistent if all if it is possible to assign truth values to the propositional variables, that means के p q r propositional variables such that each proposition is true. इसका मतलब है कि यहाँ पर सब की सब true हो जाएं. अगर एक भी ऐसी आपको row मिल जाती है तो then we call that these requirements are consistent. अब इनको चेक करने के लिए less than 1 minute रह गया, नया session start कर रहा हूँ, जल्दी से join कीजिएगा, फौरन इसको stop कर रहे हैं यहीं पर.